तो हेलो दोस्तों, जीके डेली अपडेट में आपका स्वागत है। आज हम हिमाचल प्रदेश जीके के कुछ 20 क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में किसे प्राचीन काल में धरगिरी नाम से जाना जाता था? इसके ऑप्शन है धर्मशाला, मंडी, नूरपुर या बिलासपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नूरपुर को जाना जाता था। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा हिमाचल प्रदेश का सबसे प्राचीन राज्य है? इसके ऑप्शन है सुषमाचंद्र, संसारचंद्र, हरिचंद्र या हमीरचंद्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुषमाचंद्र। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरिचंद ने गुलेर राज्य की स्थापना किस वर्ष की थी? इसके ऑप्शन है 1505 में, 1605 में, 1705 में या 1405 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1405 में की थी। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांगड़ा किले का निर्माण निम्न से किसने करवाया था? इसके ऑप्शन है संसारचंद्र, सुषमाचंद्र, भक्तमाल, उमेद सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुषमा चंद्र ने करवाया था। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीर सेन को निम्न में से किस राज्य का संस्थापक माना जाता है? इसके ऑप्शन है सुकेत, मंगडी, कंगड़ा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुकेत को माना जाता है। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंबा नगर का संस्थापक निम्न में से कौन था? इसके ऑप्शन है पृथ्वी सिंह, मुसन बर्मन, मेरू बर्मन, साहिल बर्मन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी सिंह को माना जाता है। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस स्थान पर मंडी राज्य रियासत की नींव रखी गई थी? इसके ऑप्शन है पुरानी मंडी, सुकेत, हांडगांव या मंडी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हांट गांव। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंबा की रानी की याद में कौन से मेले का आयोजन किया जाता है? इसके ऑप्शन है नैना देवी का मेला, सूही का मेला, लवी का मेला, रिवल सर का मेला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूही का मेला आयोजित किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा हिमाचल प्रदेश का सबसे प्राचीन प्रांतीय राज्य है? इसके ऑप्शन है कुतुल, मांडू, तिगरत या हिंदुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तिगरत। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वजीर मेहता प्रेमचंद्र का संबंध किस रियासत से था? तो इसके ऑप्शन है सिरमौर, कंगड़ा, सुकेत, जुब्बल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिरमौर से है। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाभारत में कंगड़ा राज्य का किस नाम से उल्लेख मिलता है? तो इसके ऑप्शन है कुल्लू मुल्लत, तिगरत, कीरगांव या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कीरगांव। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिमाचल प्रदेश के आचार्य राजा संबर का किस आर्य राजा से अनेक बार युद्ध हुआ था? इसके ऑप्शन है विभोदास, दुगेंद्र पृथु या संसक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विभोदास से हुआ था। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस शासक को सात धरों का स्वामी कहा जाता है? इसके ऑप्शन है कंगड़, बिलासपुर, चंबा, सिरमौर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिलासपुर को माना जाता है। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीड निम्न में से किस राज्य की राजधानी रही है? इसके ऑप्शन है गुलेर, दातारापुर, भंगहाल या कंगड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भंगहाल।
तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहाड़ी राजघरानों में से सबसे लंबा इतिहास किस रियासत का रहा? इसके ऑप्शन है मंडी, सिरमौर, कंगड़ा या सुकेत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंगड़ा का रहा है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। रानी का ताल जिसका आज भी महत्व है किस रियासत के भाग रहे हैं? इसके ऑप्शन है चंबा, सिरमौर, मंडी, रामपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिरमौर। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिमाचल प्रदेश के गठन के समय कितने ज़िले थे? इसके ऑप्शन है 6, 5, 4 या 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 ज़िले थे। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिमला ज़िले के डोंडारा कलवार को क्या दर्जा प्राप्त है? इसका ऑप्शन है उप तहसीलें, उपमंडल, तहसीलें या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपमंडल दर्जा प्राप्त है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिमाचल प्रदेश को पूर्व राज्य का दर्जा किस वर्ष मिला? इसके ऑप्शन है 15 अप्रैल 1948, 25 अगस्त 1986, 25 जनवरी 1971, 1 नवंबर 1966। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25 जनवरी 1971। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला गठन के समय हिमाचल प्रदेश का सम्मिलित किया गया? इसके ऑप्शन है सिरमौर, बिलासपुर, चंबा या महासू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिलासपुर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।